सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 7 देख रहे हैं। इसमें है प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस। सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जितनी भी विधाएं हैं, जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उसको अपने प्रैक्टिस में यानी कि अपने अभ्यास में लाना, जब हम वाकई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तब उसका उपयोग करना। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी कॉन्सेप्ट अवधारणा, जितने भी सिद्धांत हैं या जो भी तरीके या जितने भी उपकरण टूल्स ये हम ने सीखे हैं या हम सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका उपयोग दिमागी तौर पे, मतलब जो उसने पढ़ रखा है या जब वो करना चाहता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई टेस्टिंग करनी है, तो हर चीज का अभ्यास या अपनी प्रैक्टिस में लाए। तो प्रैक्टिस एक बेसिकली हमारा काम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम तो यही है कि भाई हमको प्रोजेक्ट बनाना है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। तो मैनेजर बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली बना सकता है, यानी प्रैक्टिशनर्स कह लें जो कोडिंग करते हैं या टेस्टर्स कह लें, ये सारे लोग इन प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। होता ये है कि प्रैक्टिस से हम कोई भी अप्रोच को, जैसे मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्लान करते हैं, ये सोर्स है डेस्टिनेशन है, अगर आपने प्री प्लान नहीं किया हुआ है तो हो सकता है आपको दिक्कतें आए, कहीं आप बीच में रुके तो यहाँ होटल ना मिले आपको, आपने बुक भी नहीं कराया। तो अगर आप प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो हो सकता है रास्ता आपका सुखद हो। तो हम क्या देखने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से इन प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, हमारे क्या तरीके होते हैं जो हमारे दिमाग में हो और हम उसे अप्लाई करें ताकि हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नॉलेज, यहां पर देखिएगा स्टीव मैकोनेल साहब है। अब इन्होंने एक बड़ी बेहतरीन बात कही, एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ IEEE में, तो ये मैकोनेल साहब, स्टीव साहब, इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी कि जो भी हम अपने इंजीनियरिंग में या अपने कंप्यूटर साइंस कोर्स में पढ़ते हैं, वहां पर हम कोशिश करते हैं भाई जावा आगे जावा सीख लें, पर्ल सीख लें, HTML, चाहे C#, पाइथन फटाफट सीख लें, लिनक्स भी जान जाए, विंडोज भी जान जाए, लेकिन जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो नॉलेज है, यानी कि एक्चुअल प्रोग्रामिंग का या फिर उससे रिलेटेड साइंस का जो नॉलेज है, उसकी केवल 3 साल जिंदगी होती है। इन्होंने कहा 3 half-life, 3 साल के बाद बनी बात है जो अभी तक स्टैटिस्टिक्स चली आ रही है कि वो चेंज हो जाएगा, यानी वो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नया एनवायरमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, अगर उसको आपने समझ लिया तो पूरी जिंदगी, पूरे करियर आप उसका उपयोग कर सकते हैं, वो आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर मैनेजर, लीडर, मैनेज, जो भी आपको पदवी मिलेगी उस पे उस अच्छी तरीके से आप अभ्यास कर सकते हैं इस चीज का। तो मैकोनेल साहब ने एक और चीज कही कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसकी जो नॉलेज है पूरे एक साइंस की, ये पूरे कंप्यूटर साइंस का 75% है नॉलेज। मतलब अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना है और आपको इसकी नॉलेज है तो 75% काम तो यही हो गया, बाकी आपको 75% ये पता है, बाकी 25% में जो लेटेस्ट लैंग्वेज आ रही है, आपकी एनवायरमेंट आ रहा है, उसको सीख लीजिए। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रोसेस। अब आप देखिए, जब मैं प्रोसेस की बात करता हूं, प्रोसेस किस में आते हैं, ये हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तरह तरह के हमने देखे, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप, स्पाइरल, इटरेटिव, एजाइल, स्क्रम, एजाइल के अंदर स्क्रम या XP, कितने सारे हमने देखे। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी में लगाए जा सकते हैं और ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए या जो भी सॉफ्टवेयर मॉडल आप चूज करते हैं, मान लीजिए स्पाइरल आपने चूज किया या मान लीजिए आप स्क्रम यूज करते हैं, दोनों के लिए ही ये लागू होंगे। और फ्रेमवर्क एक्टिविटी क्या होती है, कम्युनिकेशन से आप शुरू करते हैं, बातचीत यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसके बाद आप पूरा प्लान करते हैं प्रोजेक्ट का, फिर मॉडल करते हैं यानी डिजाइनिंग फेज आ गया,
फिर कंस्ट्रक्शन, यहां कोडिंग और टेस्टिंग फेज आ गया, बाद में आप डिप्लॉयमेंट करते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर देते हैं और उसके बाद उसका मेंटेन भी करते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज है इसके लिए बताया गया कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आप चूज करिए, ध्यान रखिए आप एजाइल रहे, एजाइल मतलब फुर्तीला यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, यानी आप एक्सेप्टेबल रहे और वेलकम रहे चेंजेस के लिए। तो कोई भी मॉडल हो, प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि आपका वाटरफॉल मॉडल टाइप हो गया, या एजाइल, एजाइल कौन से मॉडल हो गए, जो जिनकी फिलॉसफी ये है कि भाई वो अपने लोगों के प्रति, टीम और काम और शेड्यूल इसके प्रति बड़े वो होते हैं, जागरूक होते हैं और चेंजेस वेलकम करते हैं, कोई भी परिवर्तन हो उसको वेलकम करेंगे। तो प्रिस्क्रिप्टिव हो चाहे एजाइल मॉडल हो, ध्यान रखिए कि टेक्निकल अप्रोच जो हो, जो भी आपका काम करने का तरीका हो वो सिंपल होना चाहिए। जो भी वर्क प्रोडक्ट बनाए, वाटरफॉल मॉडल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं क्योंकि वो आगे के लिए काम में आते हैं, एजाइल में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे मान लीजिए हम स्क्रम की बात करते हैं तो स्क्रम मीटिंग्स होती हैं, या फिर कोई इसमें अगर आप एक्सट्रीम की बात कर ले प्रोग्रामिंग की तो यूजर स्टोरीज बनती हैं, तो और या यूनिट टेस्ट्स बनते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको कम बनानी है पहली चीज़, और आपको लोकली एज अ टीम आपको डिसीजन लेना है कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। दूसरी चीज इसमें बताई गई है कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चूज करते हैं कोई भी, तो हर जगह आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी, जैसे मान लीजिए आप एक इस प्रोसेस पे हो, प्लानिंग प्रोसेस पे हो, तो यहां पर कौन सी क्रियाएं करनी है, कौन से एक्शन करने हैं, कौन से काम टास्क करने हैं, हर जगह आपको ये देखना है कि भाई क्वालिटी मेंटेन रही हमारी, हमारी गुणवत्ता से कभी भी हम इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना कर पाए। बी रेडी टू अडैप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोसेस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर आपको वाटरफॉल मॉडल बता दिया गया है तो कोई ये रिलीजन नहीं हो गया, यानी रिलीजन में क्या होता है, आदमी डॉगमैटिक हो जाता है, यानी लकीर का फकीर बन जाता है कि जो चीज बोल दी गई वही करता चला रहा है सालों से, उसमें वो चेंज की शक्ति नहीं होती या फिर वो कंस्ट्रेंट्स में रहता है। यहां पर ऐसा नहीं है, आपको अडैप्ट करना है, यानी कि समय और समाज के अनुसार, समाज क्या है यहां पर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, उसके हिसाब से परिवर्तन करना है। बिल्ड एन इफेक्टिव टीम, ध्यान रखिए सॉफ्टवेयर बनाने वाले आप, यूज करने वाले आप यानी आप जैसे लोग, तो यहां पर जब भी कोई टीम बन रही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए वो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, यानी टीम में एकता होनी चाहिए, आपस में विश्वास होना चाहिए और मोहब्बत होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। सबसे जरूरी बात आती है कम्युनिकेशन की और कोऑर्डिनेशन की। कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है लोगों में बातचीत। अब कौन कौन से लोग इसमें आ सकते हैं, आप एज अ डेवलपर आप मैनेजर से बात करेंगे, मैनेजर हो सकता है स्टेक होल्डर से बात करे, स्टेक होल्डर हो सकता है आपस में बात करे, इस तरीके से बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं। हो सकता है मैनेजर किसी टेक्नोलॉजिस्ट से बात करे, आपका डेवलपर किसी अपने फ्रेंड से बात करे फेसबुक पे टेक्निकल एक्सपर्टीज लेने के लिए। तो ये तमाम तरीके के कम्युनिकेशन हो सकते हैं और इस कम्युनिकेशन, इस बातचीत को, इस संचार को आपको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ता है। हैफसेट मान लीजिए एक मीटिंग में आप बैठे हैं और मीटिंग में चार लोग बैठे हैं और चारों एक साथ बोल रहे हैं तो समन्वय तो हो नहीं पाया, कोऑर्डिनेशन तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी तरीके से करना है, तभी आपका प्रोडक्ट बन पाएगा अच्छे से, वरना किसी क्रैक में अगर चली गई कोई बातचीत वो आगे चल के पता चली कि यार ये बातचीत ये तो पता नहीं चला था हमें। मैनेज चेंज, अब मैंने कहा कि चाहे प्रिस्क्रिप्टिव हो, चाहे आप एजाइल हो, कोई इनफॉर्मल फॉर्मल, अब कोई भी अप्रोच आप अपनाएं ये आपके ऊपर है। जो भी चेंज है, अगर आपके पास कोई आपका स्टेक होल्डर आया और उसने कहा भाई मुझे तो चेंज चाहिए, मुझे ये मेन्यू नहीं चाहिए, आप मेन्यू इधर बनाइए, तो चेंज क्या उसने रिक्वेस्ट किया है, क्या मांगा है आपसे, चेंज क्या किया जाना चाहिए, नहीं कहने किया जाना चाहिए, चेंज का अप्रूवल और उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसको वाकई में करके देना, जो उसने मांगा है वो करके देना, ये बहुत जरूरी हो जाता है, उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। असेस रिस्क, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो गलत नहीं हो सकती, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आप कह नहीं सकते कि मैंने परफेक्ट चीज बना दी है। तो हर चीज जैसे सॉफ्टवेयर है वो भी कभी ना कभी कोई दिक्कत करेगी, है ना, तो आपके पास कंटिंजेंसी प्लान होने चाहिए। कंटिंजेंसी प्लान का मतलब ये होता है कि अगर कोई नुकसान हो गया, अगर कोई फेलियर हो गया तो आपको क्या करना है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कोई छोटी मोटी बात तो होती नहीं है, ये आपको प्रोजेक्ट जो होता है साल, दो साल, तीन साल ऐसे प्रोजेक्ट मिलता है, तो वहां पर आपको जोखिम के अगर जोखिम आता है तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी है वो देखना है।
क्रिएट वर्क प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड वैल्यू फॉर अदर्स। अब आप देखिए कि आप रिक्वायरमेंट बना रहे हैं यूजर से इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। अब ये जो रिक्वायरमेंट है यही तो मॉडलिंग की जाएगी, इसके एनालिसिस और मॉडलिंग की जाएगी, मॉडल बनाए जाएंगे और उन्हीं मॉडल के हिसाब से कोडिंग होगी, ये तो आप जानते हैं। अगर ये रिक्वायरमेंट ठीक से नहीं ली गई तो क्या उसके प्रॉपर मॉडल बन पाएंगे? अगर आपने ठीक से मॉडल नहीं बनाए तो उसी हिसाब से क्या कोडिंग हो पाएगी? तो आप जो भी बना रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, एम्बिग्यूटी मतलब स्पष्टता होनी चाहिए उसमें, क्लियरनेस होनी चाहिए, और कोई चीज छोड़िए मत, हो सकता है छूट जाए लेकिन बहुत सारी चीज मत छोड़िए। तो बात यह है सारी कि जो भी इसमें गतिविधियां, फंक्शन, कार्यवाही या फिर विशेषताएं, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक आपके सॉफ्टवेयर में चाहिए, ठीक है, तो जो भी आप बना रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़ेगी, ये पास्ड अलोंग होती है, यहां से यहां, यहां से यहां, हर एक आदमी दूसरे आदमी को देता है, तो ऐसा बनाइए ताकि दूसरा आदमी सही बन पाए, क्योंकि यहां पर अगर एक फेलियर हो गया तो वो प्रोपोगेट होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम क्यों कर रहे हैं? इसमें एक बड़ा शब्द है सॉफ्टवेयर, यानी कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप कोई ऐप बना रहे हैं, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, है ना, इसी तरीके की चीजें आप बना रहे हैं। मेन आपका काम क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्यों जान रहे हैं? मेन काम यह है कि भाई हमको जो टाइम दिया उसमें हम कंप्लीट कर लें, गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे उसकी यूजिबिलिटी हो, जो भी चीज है वह आप बेहतरीन दें, और ऐसा सॉफ्टवेयर दें कि यूजर ने आपसे खेत मांगा है, आप खलिहान ना दें, यानी जितने भी फंक्शन और फीचर जो वो फंक्शन मांग रहा है कि भाई ये काम होना चाहिए, फीचर इसमें ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें आप स्टेक होल्डर को यानी कस्टमर को, एंड यूजर को दें। मेन काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यही है, उसका अभ्यास हम इसीलिए करना चाहते हैं। अब इसको पाने के लिए कुछ ऐसी कोर मतलब होता है बिल्कुल आंतरिक, इंटरनल सिद्धांत है, फंडामेंटल प्रैक्टिसेस है जो हमें करनी है, करनी चाहिए। कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ये सारी चीजें करनी है भाई, टाइम पे देना है, बजट के अंदर देना है, गुणवत्ता भी देनी है, क्वालिटी भी देनी है, तो डिवाइड एंड कॉन्कर ये अंग्रेजों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। इन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग कर दिया, जहां जहां ये गए वहां लोग जब रेखाएं खींच दी, आज तक लोग लड़ रहे हैं और ये लोग राइज कर रहे हैं, होता है ना। लेकिन ये डिवाइड एंड कॉन्कर ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, इन्होंने ये कहा कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट ली है उसको ठीक से समझा जाए और उसके हिसाब से आगे की चीजें डिसाइड की जाए। डिजाइन मतलब ये होता है कि भाई जो कोडिंग होने वाली है उसके लिए आप खाका तैयार करें, फ्रेमवर्क तैयार करें, एक आर्किटेक्चर तरह तैयार करें, स्केलेटन तैयार करें। तो यहां पर सेपरेशन ऑफ कंसर्न की बात क्या होती है कि आप मान लीजिए आपके पास एक बोरी है, बहुत बड़ी बोरी है, बोरी मतलब कट्टा कह लीजिए, इसमें कम से कम 50 या 60 किलो रेत है, आप अकेले आदमी उठा पाएंगे इसको? नहीं उठा पाएंगे। अब इसी बोरी को मैं कर देता हूं दो में 30-30, उठा लेंगे, मुझे लगता है उठा लेंगे, और नहीं होता है तो एक काम करिए आप इसको कर दीजिए 10, ऐसे करते करते इसके कितने 6 बोरे बना दीजिए, अब उठा लेंगे, आराम से उठा लेंगे। तो ये कंसर्न्स हैं, हर एक जो कंसर्न है, हर एक जो एक पार्ट है वो उसको फंक्शनैलिटी में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास 60 फंक्शनैलिटी है तो 5-5 में डिवाइड कर दीजिए, 10-10 में डिवाइड कर दीजिए, और एक ऐसे डिवाइड करिए कि इन सबको इंडिपेंडेंटली आप उठा सकते हो, यानी कि वैलिडेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, यानी उठा सकते हो और उठा के पहुंचा सकते हो सही जगह पे, वो वैलिडेशन हो गया, और ये 10 किलो कोई और उठा लेगा, ये 10 किलो कोई और उठा लेगा, है ना। तो इसे ही हम सेपरेशन ऑफ कंसर्न कहते हैं। अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अमूर्तता। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब कोई आपके घर में पहली बार आता है, फर्स्ट डे, तो आपके पूरे घर को देखता है, यानी वो हाई लेवल व्यू है उसका, हाई लेवल व्यू है ना। फिर वो आपके घर में अगर मान लीजिए एक हफ्ते रह लेता है तो आपके वो कमरों को जान जाता है, लोगों के बारे में जान जाता है, फिर वो एक मिडिल लेवल आपका हो गया ना। उसके बाद जब वो कुछ और दिन रह लेता है, मान लीजिए 2 महीने 6 महीने रह लेता है, तो वो ये भी जान जाता है कि देखो ये नल चूता है, ये जो है इसकी कुंडी खराब है पीछे वाले दरवाजे की, तो इसे एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि हम वहां से शुरू करें, हाई लेवल मॉडल से शुरू करें,
जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं या एक्सेल बनाना चाहते हैं, ये डेवलप एक्सेल जैसा कुछ डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले एक्सेल को देखिए एक्सेल क्या काम करेगा, उसके लिए पहले डिजाइन करिए, उसके लिए एनालिसिस करिए, और उसके बाद एक्सेल में के अंदर क्या क्या काम हो सकते हैं। जैसे कॉलम बनाया जाता है एक्सेल, एक्सेल में कॉलम और रो में काम होता है, यहां पर आपको एक फंक्शन चाहिए होगा सम करने का, एवरेज निकालने का, है ना। ये जो चीज चाहिए ना आपको, ये आप सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के एब्स्ट्रैक्शन में जाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपको पूरे सॉफ्टवेयर को अलग अलग लेवल पे, हायर से लेकर लोअर लेवल तक इसको देखते हुए चलना है। स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें क्या है कि कोई भी जब शुरुआत आप सॉफ्टवेयर की बनाने की करते हैं तो रिक्वायरमेंट जब गैदर हो जाते हैं, आपने सारी जानकारी ले ली यूजर से, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना, फिर डिजाइन बनाते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं, फिर टेस्ट केसेस बनाते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके। अब इसमें क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है, अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने कोई, आपको किसी ने कहा कि एक वेब ऐप बनाइए या वेबसाइट बनाइए। अब आपने पेज डिजाइन किया, अब इसमें मान लीजिए 50 पेज है, पहला पेज आपने डिजाइन कर दिया ब्लू में, दूसरा कर दिया ग्रीन में, एक में मेन्यू यहां पर है, अगले वाले में मेन्यू यहां पर है, तो गलत हो जाएगा एर्गोनॉमिकली। यानी कि आप अच्छे से इंसानी यूज, मोस्टली लोग सीधे हाथ से यूज करते हैं, तो मेन्यू आ दीजिए जहां पर वो आराम से यूज कर सके, और कोई मूक बधिर हो वो भी यूज कर सके। कहने का मतलब यह है कि सारे कलर, सारी स्कीम, वो सब आपको कंसिस्टेंट फॉलो करनी है, एक रूपता रखनी है उनमें। फोकस ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जैसे मैंने कहा कि अगर आप आधी अधूरी बात करेंगे तो काम नहीं चलेगा। यहां पर क्या होता है कि यहां पर मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया और यहां पर अपना कोड लिखा, वो कोड मान लीजिए कोई काम करता है, मान लीजिए डेटा लेके आता है, तो वो डेटा जाएगा वो डेटाबेस से लेगा। यहां पर आपका इंटरफेस है, ये इस इंटरफेस को आपको बहुत जोर, क्योंकि डेटा फ्लो यहीं से कर रहा है और डेटा फ्लो यहीं से आ रहा है, चाहे आप किसी नेटवर्क से बात कर रहे हो तो आपका ये इंटरफेस हो गया, नेटवर्क इंटरफेस हो गया, डेटाबेस इंटरफेस हो गया। तो यहां पर अगर आपने कुछ चूक कर दी तब नुकसान होगा आगे चल के सॉफ्टवेयर का। बिल्ड सॉफ्टवेयर दैट एग्जिबिट्स इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी, अभी मैंने आपको सेपरेशन ऑफ कंसर्न बताया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भाई बड़ी चीज को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दीजिए, जो छोटे छोटे आपने भाग में डिवाइड किया उसी को मॉड्यूलर यानी कि ग्रेनुलरिटी बढ़ा रहे हैं आप, मॉड्यूलर कर रहे हैं उसको, है ना, और उससे काम आसान हो जाता है। मॉड्यूलरिटी इफेक्टिव होनी चाहिए। पता चला कि आपने क्या किया कि आपके पास 60 किलो का बोरा है, आपने एक तो 10 किलो का बोरा बना दिया और एक जो है 50 किलो का बना दिया, तो ये तो मॉड्यूलरिटी अच्छी नहीं हुई ना, ठीक है जी। तो यहां पर क्या है, दो चीज आती है, कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन कपलिंग बार बार मैं बोलूंगा, उसको समझने की कोशिश करिए। कोहेजन मतलब आपने एक फंक्शन लिखा मान लीजिए ऐड करने का, दूसरा फंक्शन लिखा आपने मान लीजिए मल्टीप्लाई करने का। बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ये बहुत ही नेव लोगों के लिए है। तो ये जो फंक्शन काम कर रहा है ऐड, इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखी होंगी जो भी काम हो रहा है, इन लाइनों में, इन कामों में अच्छी खासी कोहेजन होना चाहिए, ठीक है जी। इसमें जो मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसमें जितनी लाइनें लिखी है, जितना काम हो रहा है वो यही काम कर रहा होगा मल्टीप्लीकेशन का, उनके बीच में बहुत अच्छा कोहेजन होना चाहिए। लेकिन ये जो दोनों फंक्शन है एड और मल्टीप्लीकेशन, इनके बीच में कपलिंग, मतलब इनके बीच में डिपेंडेंसी, कपलिंग जिसे मैं कह रहा हूं, वो कम से कम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो कोहेजन मतलब एक फंक्शन या एक मॉड्यूल के अंदर की बात कर रहा हूं, उनमें बहुत स्ट्रांग कोहेजन होना चाहिए, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो पूरी तरीके से वही काम करें। ऐसा ना हो कि ये ऐड का भी काम, ये जो वाला फंक्शन है ये मल्टीप्लिकेशन का भी काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दो अलग अलग जो मॉड्यूल है उनके बीच में कपलिंग मतलब इंटरडिपेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, इसी का मतलब ये है। लुक फॉर पैटर्न्स, अब जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है उसी का यूज कर लीजिए, या जो तरीका आपने अपना रखा है उसी का, वही तरीका अपनाइए आप। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब इंटीग्रेशन का समय आता है, जब आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं तब बहुत आसानी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हैं या आपके पास तरीका है। जैसे लुक फॉर पैटर्न्स तो खैर मैंने आपको बता दिया, एक और चीज मैं बताता हूं। व्हेन पॉसिबल रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब आप देखें कि आपको जाना है मान लीजिए बाहर, ठीक है। अब आपकी सैटरडे की पार्टी है, आपका क्या होगा, मुझे फन करना है, मजा करना है, आज खाना पीना अच्छे से। लेकिन यहीं पे आपके पिताजी क्या बोलेंगे, बेटा 9 बजे से पहले आ जाना। मम्मी का कंसर्न क्या होगा, बेटा
कोरोना फैला हुआ है, मत जा कहीं तो तुझे तुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। तो ये जो अलग अलग कंसर्न्स हैं, अलग अलग सोच है या पर्सपेक्टिव है एक ही चीज की, उस तरीके से आपको सोचना होगा, क्योंकि ये एक जनरल बात है। जब आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो जब हम अलग अलग व्यू पॉइंट लेंगे, अलग अलग सोच, अलग अलग व्यू, मतलब सॉफ्टवेयर को हर तरीके से देखना है कि भाई आप क्या इसमें कौन कौन सी क्लास बनाने वाले हैं, सॉफ्टवेयर कभी भी कोई इवेंट आता है कैसा बिहेव करने वाला है, क्या किस एक्शन पे क्या काम होगा, और यूजर क्या क्या कर सकता है, क्योंकि यूजर का केवल यही नहीं होगा कि भाई एक काम करेगा, वो उसी चीज के मल्टीपल यूजर मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं। रिमेंबर दैट समवन विल मेंटेन द सॉफ्टवेयर। अब आप सॉफ्टवेयर बना के तो दे दिया आपने, अब आपको मेंटेन भी करना है। सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि एक बार आपने जब दे दिया तो उसमें जो चेंजेस आते हैं या उसमें कोई बग आता है, कोई दिक्कत आती है, वो सब आपको करना होगा। तो लॉन्ग टर्म में जब भी आप सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं या किसी दूसरे एनवायरमेंट में इसको परिवर्तित करते हैं, तो यहां पर दूसरा आदमी करता है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए। इतने सारे बग ना छोड़ दें, इतनी सारी दिक्कतें ना छोड़ दें, इतने सारे एरर ना छोड़ दें कि आगे चल के वो आपको दिक्कत करे, ठीक है। और जब भी यूजर आपसे कोई कैपेबिलिटी या कोई चीज डालने की कोई बोल रहा है या चेंज करने की बोल रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स दैट गाइड कम्युनिकेशन। अब जब आप बातचीत करते हैं तब क्या तरीका अपनाते हैं, यहां हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारे जो अलग अलग फ्रेमवर्क एक्टिविटी हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है बातचीत, यानी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपको रिक्वायरमेंट गैदर करना होता है। तो इसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, आपको क्या सिद्धांत फॉलो करने हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको क्या सीखना है। एक कस्टमर आपके सामने एक दिक्कत लेके आया है, प्रॉब्लम लेके आया है, यानी कि वो जो प्रॉब्लम है उसकी, वो है आपको सॉफ्टवेयर, वेब ऐप या वेबसाइट या कोई ऐप बना के देना है, और उसका सॉल्यूशन, बेसिकली उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है आपको, यही तो है। तो अगर आप बातचीत नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा अच्छे से, तो कैसे काम बनेगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप अपने लोगों के बीच में कर रहे हो, चाहे वो कस्टमर से कर रहे हो, चाहे अपने सीनियर से कर रहे हो। तो ये बेसिकली क्या है कि यहां बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। तो हम जब कम्युनिकेशन करेंगे या कम्युनिकेशन की क्या पार्ट लेंगे अपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा। पहली चीज, लिसन, सुनना जरूरी है। होता यह है कि हम, कोई भी आदमी जब हमसे बात करता है तो हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम सुनने के लिए नहीं सुनते। अगर यहां पर आप कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले ये समझाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि हमको बनाने क्या बोला उसने और हमने क्या बना के दिया, ठीक है। जैसे कस्टमर ने कहा मुझे ये बनाना है कि एक झूला बनाना है जिसमें ये तीन पट्टियां लगी हो, प्रोजेक्ट लीडर कैसे उसको समझ रहा है, एनालिस्ट कैसे डिजाइन कर रहा है, प्रोग्रामर कैसे लिख रहा है उसको, और बिजनेस कंसल्टेंट कैसे उसे बता रहा है। लिखा कैसे आपने इसको, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया आपको। बेसिकली ये सारी चीजें जो है ना, कि ये बिल बिलिंग का बता रहे हैं, इतना पैसा इसको, ये माइलस्टोन में पैसे दिया गया, कभी कम कभी ज्यादा, और सपोर्ट जीरो कर रहे हैं आप, और कस्टमर को क्या चाहिए था, बेसिकली कस्टमर को क्या एक्सप्लेन किया उसने और क्या चाहिए था, वो कितना अंतर है। ये सब प्रॉब्लम कहां आ रही है, क्यों आ रही है, ये आ रही है कम्युनिकेशन गैप, या फिर ठीक से बातचीत नहीं हो रही है। तो यहां जरूरी हो जाता है कि जब भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन लेना हो, शर्माने की क्या जरूरत है, पूछिए, लेकिन ये नहीं कि बस पूछते रहिए, इंटरप्ट मत करिए, लेकिन पूछिए। किसी भी तरीके का आर्गुमेंटेशन आपके कंप्यूटर साइंस फील्ड में नहीं, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी साइंस में आप देख लीजिए, आपको कोई भी बात आर्गुमेंटेटिव तरीके से फायदा होता नहीं, नुकसान होता है। जब तक आपकी जान के ऊपर ना आ जाए, आप किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर ऊंची आवाज में उल्टी सीधी तरीके से बात मत करिए। प्रिपेयर बिफोर यू कम्युनिकेट। होता यह है कि हम बात करने से पहले ना अपनी तैयारी नहीं करते। हमको क्या करना है कि जो भी डोमेन, मान लीजिए हमको टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे काम करना है, या एक प्रोजेक्ट आ रहा है और उसमें बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन यूज किया गया, या फिर आप कहें कोई हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर चलाना है, तो उस हार्डवेयर के बारे में पता करना, वो हार्डवेयर के साथ कैसे काम करेगा, वो सब हमको पहले पता होना चाहिए। पहले आपको कोई भी मीटिंग के पहले एजेंडा सेट करना होगा, एजेंडे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जब भी कोई एक्टिविटी है, जो भी काम हो रहा है या कम्युनिकेशन की एक्टिविटी हो रही है, यहां पर आप देखेंगे कोई ना कोई एक लीडर या फिर फैसिलिटेटर रहेगा। तो जो भी, मान लीजिए
ये चार लोग है, ये कुछ बात कर रही है, एकदम से इन्होंने इंटरप्ट किया, तो ये साहब बैठ के बोलेंगे नहीं 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 हम पहले इसको डिस्कशन कर लें। इसका मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना को ये दूर कर सकते हैं, इसलिए एक लीडर या फैसिलिटेटर होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे बढ़िया होता है, आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि कोरोना का समय है और बाकी तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सामने आमने सामने बात करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आप ड्राइंग बना के रिप्रेजेंट कर सके, ये भी बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, अगर शब्दों में नहीं समझ में आ रहा है तो ड्राइंग बना लीजिए। टेक नोट्स एंड डॉक्यूमेंट डिसीजन। अब होता यह है कि हम केवल सुन के हाँ हाँ कर देते हैं और आप जानते हैं कि हम अगले दिन 80% चीज़ें भूल जाते हैं जो आज हमने की है। तो एक रिकॉर्डर होना चाहिए, एक आदमी बकायदा इसको नोट करे कि क्या क्या पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है, क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। स्ट्राइव फॉर कोलैबोरेशन, समन्वय बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि जैसे छोटे छोटे लकड़ियों को आप 10-12 लकड़ियों को अगर जमा कर लें तो तोड़ नहीं सकते आप, बल्कि मैं कह रहा हूं 4-5 को भी नहीं तोड़ सकते, एक को आप तोड़ देंगे। तो जब आप एक कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, कॉमन गोल के लिए काम करेंगे कि बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपका काम बन जाएगा। स्टे फोकस, मॉडलाइज योर डिस्कशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बातचीत कर रहे हैं तो पहले एक टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। आपके मान लीजिए आप 10 टॉपिक आपके निकले बातचीत में, क्योंकि बातचीत में क्या होता है, ये इधर उधर आप भटकते रहते हैं, ये ऐसे डिस्कशन होता रहता है। तो पहले ये ना जहां जो आपका रास्ता है या जो जिस बारे में बात कर रहे हैं हम, वो पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद दूसरा, क्योंकि पहला अगर टॉपिक रिजॉल्व नहीं हुआ कॉन्वर्सेशन में तो आप इधर उधर मतलब उस बातचीत का कोई अंत नहीं होगा। इफ समथिंग इज अनक्लियर, ड्रॉ अ पिक्चर। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि आप अगर दूसरा आदमी नहीं समझ पा रहा या आप समझा नहीं पा रहे तो ड्रॉइंग बनाइए। ड्रॉइंग तो एक कहते ना, एक चित्र जो होता है वो 1000 या 10000 वर्ड के बराबर होता है। एक और चीज है, अगर आप बातचीत जब कर रहे हैं तो अगर किसी चीज पे एग्रीमेंट में पहुंच जाते हैं, सब एक मान लेते हैं एक बात, तो आप आगे बढ़ जाइए। अगर आप एग्रीमेंट में नहीं आ पाते हैं, यानी कि 2 लोग 4 लोग बात कर रहे हैं और वो एग्री नहीं कर पाते हैं, किसी कंसेंसस पे नहीं आ पाते, किसी बात पे सब लोग हामी नहीं भरते, तब भी आगे बढ़ जाइए। अगर कोई भी फीचर या फंक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रही है, या उस समय पर्टिकुलर समय आप क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है, तब भी आगे बढ़ जाइए। यानी कई ऐसे बातचीत है यहां पर, अगर एंडलेसली तो बात नहीं करनी ना आपको, तो इसका एक तरीका है, आगे बढ़ जाइए। क्योंकि बातचीत जब होती है तो इटरेटिव बातचीत होती है, उसी टॉपिक पे अगर आप आज बात करें नहीं हो पाया, उससे आप अगर टुमारो या कल बात करेंगे, हो सकता है वो चीज़ क्लियर हो जाए। निगोसिएशन इज नॉट अ कॉन्टेस्ट और अ गेम, इट वर्क्स बेस्ट व्हेन बोथ पार्टीज विन। देखिए, जब आप निगोसिएशन कर रहे हो, निगोसिएशन खासतौर पर कस्टमर के साथ किया जाता है, तो जब भी किसी को क्या फंक्शन देना है, कौन सी सुविधाएं देनी है, आपकी क्या प्रायोरिटी है, यूजर की क्या प्रायोरिटी है, डिलीवरी डेट क्या होगी, कॉस्ट क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ना, इसमें दोनों ही पार्टी जीते, क्योंकि ये कोई ऐसा गेम तो नहीं है कि बॉक्सिंग का, कि कोई आदमी हारेगा ही हारेगा, या कोई भी ऐसा गेम नहीं है, इसमें दोनों पार्टी जीते, उनको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। तो निगोशिएशन उस तरीके की सोच से करिए आप। प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्लानिंग, इसकी चर्चा हम करते हैं अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।